हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कलाश्निकोव इस फिल्म के बारे में बात करेंगे। ज्यादातर फिल्में वॉर पे या वॉर में घटी घटनाओं पे फिल्माई जाती है, लेकिन ये फिल्म एक हथियार के बारे में है और वो हथियार है मशहूर AK-47 गन, जिसे आज भी सबसे आधुनिक और खतरनाक हथियार माना जाता है। इस हथियार का इन्वेंशन कैसे हुआ और किन हालातों में हुआ, इसकी कहानी जानेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो चुका है और साल है 1941 का। जर्मनी और रशिया आमने सामने हैं और घमासान युद्ध हो रहा है। तभी जर्मन्स एक रशियन टैंक को घेर लेते हैं और उस पे हमला करते हैं। इस टैंक में 5 लोग थे और एक एक करके उसमें से 4 रशियन जवान मर जाते हैं और 5वां टैंक का ड्राइवर है जो बेहोश हो जाता है। और जब वो आंखें खोलता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। इस जवान का नाम है कलाश्निकोव मिखाइल और उसकी हालात में थोड़ा सा सुधार होने के बाद उसे और बाकी घायल जवानों को भी शहर की तरफ भेजा जा रहा है और वहां से उन्हें अपने अपने घर भेजा जाएगा। पर बीच में ही उनका ट्रक फंस जाता है और वो सब लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तब उनमें से 2 लोग पास के गांव में मदद मांगने के लिए जाते हैं। उनमें से एक मिखाइल है और दूसरा उनका कमांडर है। वहां जाते समय कमांडर मिखाइल को एक छोटी गन देता है और खुद के पास एक मशीन गन रखता है। दरअसल वो मशीन गन इन्हें ट्रायल के लिए दी गई थी। इसे वॉर में यूज करने का अप्रूवल अभी तक नहीं मिला था। जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तो वहां ऑलरेडी 3 जर्मन्स थे और कमांडर उनमें से 2 जर्मन्स को मारने में कामयाब हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। पर तीसरा कमांडर के पीछे से आता है और वो जल्दी से अपना हथियार भी उठा लाता है। उस पे भी कमांडर मशीन गन से फायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मशीन गन अटक जाती है, गोली नहीं चल पाती है। इस दौरान जर्मन कमांडर को गोली मारता है और तब तक मिखाइल अपनी छोटी सी गन से उस जर्मन को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। फिर एक आदमी और उसके घोड़े के साथ ये दोनों अपनी ट्रक की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में मिखाइल देखता है कि गन क्यों खराब हो गई है, तो उसे पता चलता है कि अंदर कुछ पानी की बूंदें जम गई थी, उसकी वजह से ये गन अटक गई थी और उसे अपना बचपन याद आता है। दरअसल मिखाइल को बचपन से ही गन जैसी चीजों का बहुत शौक रहा है और बचपन से ही वो एक बेहतरीन गन बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर मिखाइल ट्रेन में बैठकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। उस ट्रेन में उसी के जैसे और भी बहुत सारे जवान थे। उनसे बात करते समय मिखाइल अपनी एक गन की ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि मैं इसे इन्वेंट करना चाहता हूँ। फिर जाते समय रास्ते में मिखाइल को एक मताई नाम का स्टेशन मिलता है जहाँ हथियारों को बनाया और इन्वेंट किया जाता है। ऐसी जगह पे मिखाइल बिना ज्यादा सोचे समझे वहाँ पे उतर जाता है। वहाँ जाकर वो अपने गन की डिजाइन दिखाकर इसे बनाने की परमिशन मांगता है, पर उसे वहाँ से भगा दिया जाता है और आखिरकार मिखाइल को उदास होकर वापस रेलवे स्टेशन पे आना पड़ता है। पर तभी वहाँ पे एक सुपीरियर ऑफिसर आता है और मौका देखते ही मिखाइल उनसे बात करता है और उसे हथियारों की फैक्ट्री में अपनी गन बनाने की सिफारिश करने की मांग करता है और उसे सिफारिश के तौर पर एक खत भी मिल जाता है, जिसे लेकर मिखाइल वहां पर जाता है और वहां के ऑफिसर को उसे वहां काम करने की परमिशन देनी पड़ती है। मिखाइल अपना काम शुरू करता है, पर उसके एक हाथ में चोट लगी होने की वजह से उसे बहुत परेशानी हो रही थी और ये देखकर वहाँ पे काम करने वाले दूसरे लोग मिखाइल की मदद करना शुरू करते हैं और कई दिनों के बाद इस गन के ऊपर काम करने के बाद ये गन बनकर रेडी हो जाती है और मिखाइल उसका ट्रायल लेता है। उसके हिसाब से ये गन सही है, इसीलिए वो इस गन को लेकर सेना के बड़े ऑफिसर से, एक कर्नल से मिलने के लिए जाता है। पर मिखाइल का वहाँ पे क्या काम है ये पूछने के बाद वो अपनी गन दिखाता है और उसे वहाँ के लोग गिरफ्तार कर लेते हैं और एक दूसरे ऑफिसर को बुलाते हैं। वो ऑफिसर जब वहाँ आता है तो मिखाइल की बनाई हुई गन टेस्ट करने के लिए लेकर जाता है और उसे वो गन पसंद आती है, इसीलिए फिर वो मिखाइल को उसकी गन में थोड़े से और सुधार करने के बाद देश के हथियारों के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की सलाह देता है। और एक टेस्ट करने के बाद मिखाइल को कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की परमिशन भी मिल जाती है। फिर मिखाइल कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए पहुंच जाता है मॉस्को नाम की जगह पर और साल है 1943। वहां पर मिखाइल दिन रात एक करके अपनी गन को और सटीक, मजबूत और हल्का बनाने का काम शुरू करता है। इस कंपटीशन के लिए इस गन की इंजीनियरिंग ड्राइंग्स भी चाहिए होगी, पर वो बनाना मिखाइल को नहीं आता।
तो इसमें उसकी मदद एक कैथरीन नाम की लड़की करती है और साथ में काम करते करते कैथरीन और मिखाइल में नज़दीकियाँ भी बढ़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मिखाइल इस कंपटीशन में जीत नहीं पाता और ना ही उसकी गन को मंजूरी मिलती है। फिर आता है साल 1944 और मिखाइल फिर से वापस उसी हथियारों की फैक्ट्री में जाकर अपनी गन को और बेहतर बनाने की कोशिश में जुट जाता है और फिर से कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंच जाता है। पर फिर से मिखाइल की गन फेल हो जाती है और वो कंपटीशन में हार जाता है और इस बार उसे अनफिट करार देकर कंपटीशन से भी बाहर निकाल दिया जाता है। मिखाइल बुरी तरह से टूट जाता है पर जल्दी ही खुद को संभाल लेता है और कैथरीन से शादी भी कर लेता है और फिर से अपनी गन को 100% एक्यूरेट बनाने के काम में जुट जाता है। ये गन उसका जुनून है, इसे बनाए बगैर मिखाइल को चैन नहीं आने वाला है। और फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि रशिया जर्मनी के खिलाफ जीत गया है और ये वॉर भी खत्म हो चुका है और सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं। फिर मिखाइल को एक सवाल सताने लगता है कि अब वो ये मशीन गन क्यों बनाएगा, वॉर तो खत्म हो चुका है और अब इसका कभी ना तो कोई इस्तेमाल किया जाएगा ना ही प्रोडक्शन होगा। और इस सवाल को लेकर मिखाइल अपने सुप्रीम कमांडर के पास जाता है तो सुप्रीम कमांडर उसे बताता है कि जंग भले ही खत्म हो गई हो लेकिन हमारे देश को छोटे साइज के और सटीक हथियारों की अभी भी जरूरत है, तो तुम अपने मशीन गन पे काम जारी रख सकते हो। ये बात सुनकर मिखाइल को बहुत खुशी हो जाती है और एक नए जोश और एक्साइटमेंट के साथ वो वापस काम पे लग जाता है। फिर आता है साल 1947 का और मिखाइल को किसी तरीके से फिर से हथियारों के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है और मिखाइल इसकी तैयारी में जुट जाता है। इस बार मिखाइल अपनी गन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि इस गन को बनाने में मिखाइल ने 7 साल का समय लगा दिया है और इन 7 सालों में बहुत से सुधार करने के बाद अब ये गन बहुत ही बेहतरीन बन चुकी है। जंग के मैदान में घायल होने के बाद से मिखाइल इस गन को बनाने में जुट गया था और अब तक वो सिर्फ इसीलिए अपने गांव अपने घर नहीं गया था क्योंकि वो इस गन को पूरा बनाना चाहता था और अभी तक इस गन का काम पूरा नहीं हुआ था। वो अपनी माँ को हर साल सिर्फ खत लिखता था कि मैं बहुत जल्द आऊँगा, पर पिछले 7 सालों से वो अपने घर नहीं जा पाया था और आखिरकार ऐसा लग रहा है कि इस बार उसकी गन पूरी बन जाएगी। शुरुआती दिनों में मिखाइल पे बहुत से लोग बहुत हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अनपढ़ गवार लड़का थोड़ी कोई इन्वेंटर बन सकता है और थोड़ी कोई बेहतरीन गन बना सकता है। पर अब लग रहा है कि इस बार उन सब की बातें झुठलाकर मिखाइल एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेंटर बनने वाला है और उसकी बनाई हुई गन पूरी दुनिया पे छाने वाली है। जब मिखाइल अपनी गन का ट्रायल लेने जाता है, उसे ट्रायल लेने की इजाज़त नहीं दी जाती क्योंकि वहाँ पर किसी और की गन का ट्रायल चल रहा था। तब मिखाइल एक खाली जगह पर जाकर अपनी गन को आजमाता है और वहाँ उसे गैरकानूनी तरीके से हथियार चलाने के आरोप में पकड़कर सुप्रीम कमांडर के सामने हाजिर किया जाता है। फिर सुप्रीम कमांडर मिखाइल की गन देखने के लिए मांगता है और देखने के बाद उसकी तारीफ भी करते हैं और फाइनली कॉम्पिटिशन का दिन आता है और बाकी लोगों की गन्स पानी में और रेत में फेल हो जाती है, जैम हो जाती है, पर मिखाइल की गन पानी और रेत में दोनों में अपना सटीक निशाना लगाने में कामयाब हो जाती है और इस तरीके से मिखाइल की गन कंपटीशन में जीत जाती है जिसे आज हम AK-47 कहते हैं। ये गन आज भी सबसे आधुनिक है। इतने समय बाद भी इस गन का इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ है और ना ही इससे बेहतरीन कोई गन बन पाई है आज तक। और फाइनली मिखाइल की गन का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है और इस गन को सेना की टुकड़ियों को भी दिया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। और आखिरकार 10 सालों बाद मिखाइल अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ अपने माता पिता के पास अपने गांव अपने घर पहुंच जाता है। AK-47 जब बनाई गई थी तब पहले ही साल में उसकी 2 करोड़ गन्स का प्रोडक्शन हुआ था और ये गन बड़े बड़े नामी लोग एक दूसरे को गिफ्ट के तौर पर दिया करते थे। तो ये थी AK-47 के इन्वेंशन की और इन्वेंटर की कहानी। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।